So guys, अभी हम सब फिर दोबारा नहा रहे थे, चिल कर रहे थे और ये देख सकते हैं सब किस तरह खुश होके ठंडे पानी में नहा रहे थे। कुछ ऊपर से छलांगे लगा रहे थे, इधर मैं समझाने लग गया सबको, भाई छलांगे ना लगाओ, आप छलांगे लगा रहे जिसकी वजह से पानी बाहर जाता है। हाय एवरीवन, आप सबको फिर से खुश आमदीद है एक और नए व्लॉग वीडियो में। पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्यूबवेल खराब हो गई थी, हम नहा रहे थे लेकिन वो यानी कि फुल सीन नहीं दिखा पाए थे। आज फिर वो विलेज लाइफ में ट्यूबवेल चल दिया, तो यार बहुत से आपके कमेंट आते हैं किसान भाई हम भी विलेज में रहते हैं, तो भाई मैं विलेज से इस्लामाबाद जा रहा हूँ और आप विलेज में आना चाहते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा इस्लामाबाद में क्यों जा रहा हूँ, वो भी मैं कुछ लोग बना के दे दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार अभी हम जाते हैं ट्यूबवेल वाली जगह पर, फिलहाल तो बाहर निकलते हैं, कमरे में खड़ा हूँ, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, बाहर निकल कर आपको मिलते हैं। सो गाइस अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये जो आप देख रहे हैं विलेज वाला एरिया और आगे है ट्यूबवेल। मेरे साथ इस वक्त मेरे एक मामू भी मौजूद हैं और ये इस्लामाबाद से आए हैं, मेरे मामू भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और हम इकट्ठे जा रहे हैं ट्यूबवेल पर। और आगे ये विलेज वाला सारा एरिया मैंने आपको दिखा दिया और अब धूप काफ़ी ज़्यादा, तो कैमरा पकड़ कर खड़े रहना थोड़ा बहुत मुनासिब नहीं लगता। इसके अलावा अब हम आपको मिलेंगे फिर अब वहीं जाकर ट्यूबवेल वाली जगह पर। यह वीडियो, ये क्लिप रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि भाई आपको पता चल जाए कि कहाँ हम पहुँच चुके हैं, बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं ट्यूबवेल वाली जगह पर, तो अभी हम आपको वहीं जाकर मिलते हैं। आप सबको ये सीन दिखा रहा हूँ ट्यूबवेल का, वो चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूबवेल की वर्किंग क्या होती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ट्यूबवेल की वर्किंग। सो गाइस आप ये देख पा रहे हैं ये है डीजल और डीजल के आगे ये आप देख सकते हैं ये पीटर, इसे कहते हैं पीटर के साथ पटा होता है जो कि पटा नीचे जाता है और जिसकी मदद से पानी ऊपर आता है। ये आप देख सकते हैं ये सारा पटा है और ऊपर ये बड़ा पाइप है लोहे का और लोहे के पाइप के आगे जो है यहाँ पर पानी आ रहा होता है जिसकी मदद से हम नहा रहे होते हैं और आगे फसल को पानी भी लग रहा होता है। ये पाइप है, ये आप देख सकते हैं सब यार चिल करके जो नहा रहे हैं, ये जो है मेरा कज़न भी नहा रहा है ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक एग्जास्ट होता है पानी निकलने के लिए बाहर, यहाँ से पानी बाहर निकलता है और पानी निकलता निकलता आगे इस खाले में, इसे खाला कहते हैं, खाले में पानी निकलता है और खाले से आगे जो कोई क्यारा होता है जिस पे पानी लगाना होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस क्यारे पर ये पानी पहुँच चुका है। इसके अलावा यार अब ये मैंने आपको ट्यूबवेल की जो है वर्किंग है वो दिखाई और अब यार क्यों ना मैं भी नहाऊँ और फिर आपको घर जाके मिले, पहले तो मैं नहाऊँगा फिर घर जाके मिलेंगे। तो अभी अभी मैं भी भाई ट्यूबवेल में आप देख सकते हैं जा रहा हूँ और ये मैं इंटर हो रहा हूँ और पानी काफ़ी ठंडा, तो मुझे डरा रहे हैं भाई इसके अंदर सांप बिच्छू हो, तो मैंने कहा नहीं होंगे। तो ये आप देख सकते हैं अब मैं ट्यूबवेल में चिल करके मैंने कज़न को साइड पर के नहाया है और पानी बहुत ठंडा, यकीन मान जाइए जो मज़ा आ रहा है ना सही बात है। और अभी भी मैंने कज़न को कहा भाई हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ और देख सकते हैं आप बाकी का सीन। और अभी मैं किसी को कह रहा हूँ कि भाई आप इस तरह करें बैक कैमरे से वीडियो बनाएं और फिर बाद में कज़न मेरा तैयार हो जाता है चलो यार आप नहाओ और मैं बैक कैमरे के वीडियो बनाता हूँ। ये देख सकते हैं किस तरह मैं चिल कर रहा हूँ। इसके अलावा यार इसकी रियल वॉइस जो थी वीडियो की काफ़ी ख़राब थी, मैंने वॉइस ओवर किया, आप इसकी रियल वॉइस आगे सुन सकते हैं, आप सुन लें। सो गाइज अभी यहाँ पर एक और ट्यूबवेल चल दिया आगे और मैं आपको उस ट्यूबवेल की तरफ भी लेके जाता हूँ। पहले हमने आपको दिखाया मिस ट्यूबवेल पर नहाया, अभी एक और ट्यूबवेल आगे चल दिया वो काफी बड़ी है और अभी मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ उस ट्यूबवेल पर। सो गाइज अब मैं आगे पहुँच चुका हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह वहाँ पर ट्यूबवेल चलते, बिल्ली भाई वहाँ दिखाएं वो ट्यूबवेल चल दिया, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, जूम कर रहा था बिल्ली भाई तो जूम करके दिखाएं थोड़ा सा। सो गाइस एक ट्यूबवेल पर नहाने के बाद आपको मैंने दिखाया था दूसरे ट्यूबवेल, यहाँ पर पहले ये बंद हो गए थे अब दोबारा ऑन हो गए ये ट्यूबवेल, आगे हम आपको वहीं ट्यूबवेल पर लेकर मिलते हैं। दूसरी ट्यूबवेल जो चल रही है वो इससे थोड़ी सी बड़ी है, उस ट्यूबवेल पर नहाएंगे और फिर थोड़ा सा फिर हम घर चले जाएंगे। तो गाइस अब हम पहुँच चुके हैं ये दूसरे नंबर वाली ट्यूबवेल जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ट्यूबवेल है ये काफ़ी बड़ी है, इस पर नहाने का जो अपना ही मज़ा है और आप देख सकते हैं हम ट्यूबवेल पर पहुँच चुके हैं फाइनली और अभी हम यहाँ पर नहाएंगे थोड़ा बहुत और फिर हम आपको सारा जो पीना दिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर नीचे इंटर होता हूँ, ये काफ़ी बड़ी ट्यूबवेल है, बस छलांग नहीं मारनी छलांग यार, तो छलांग मारने से पानी चला था ऊपर ये देख। अभी मैं मामू से कहता हूँ मामू जी आप वीडियो रिकॉर्ड करें और फिर। सो गाइस अभी हम सब फिर दोबारा नहा रहे थे, चिल कर रहे थे और ये देख सकते हैं सब किस तरह खुश होके ठंडे पानी में नहा रहे थे, कुछ ऊपर से छलांगे लगा रहे थे, इधर मैं समझाने लग गया सबको भाई छलांगे ना लगाओ, आप छलांगे लगा रहे जिसकी वजह से पानी बाहर जाता है। तो फिर मैं नीचे चला गया थोड़ा सा और मैंने कहा यार अब थोड़ा सा ना फेस जो है अपना वो भी गीला कर लिया जाए और यहाँ पर फिर मैं उससे पूछने लग गया कि ये ट्यूबवेल जो है कब तक चलनी है, उसने बताया कि भाई अभी 1.5-2 घंटे चलनी है आप नहाएं, तो मैंने फिर चिल करके दोबारा नहाने लग गया और फाइनली फिर मामू की आवाज़ पीछे से आने लग गई भाई इस तरह करो चलते हैं। तो मैंने फिर मामू के हाथ से माइक लिया और मैंने माइक लेने के बाद मैं फिर खुद अपना भाषण देने लग गया। अगर अब वो मैं आपको भाषण सुनाऊँ
तो यकीन मान जाए आपके कान फट जाएंगे क्योंकि ट्यूबवेल की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी क्योंकि फिर वॉइस में सही नहीं आ रही थी। तो गाइस अभी मैं सलमान खान बनकर ना एक साइड से दूसरी साइड पर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा सांस जवाब दे दिया और फिर बाद में मुझे मेरे मामू ने बताया कि वो वीडियो भाई एडिट की हुई थी उनकी फिल्म की। तो फिर मुझे पता चला यार किस तरह वो आधा घंटा पानी में रहता है, हम तो 5 मिनट थोड़ी 5 सेकंड तक नहीं रह सकते। फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत अब नहाएं और घर ही जाएं, सलमान खान बनने की कोशिश ना करें क्योंकि सब मुझे रोक रहे थे। फिर मैंने हाथ में माइक पकड़ा और फिर अपना भाषण देने लग गया और भाषण अगर आप सुनेंगे तो आपके कान भी फट जाएंगे। सो गाइस मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके कान फट जाएंगे क्योंकि आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हुई थी। छोटा सा क्लिप आप मुलाहिज़ा करिए और फिर बताएं कि क्या सीन हुआ है। So guys, अभी वहां से ट्यूबवेल को लीव किया और फाइनली यार नहा लिया। विलेज विलेज लाइफ का अपना ही मजा है। बाइक क्यों हिलता है, अब बाइक भी मैंने दोबारा सेट किया। तो यार यहाँ पर मेरे आप बाल देख रहे हैं किस तरह बिखरे हुए हैं। तो यार आज ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो क्योंकि आज यार अपना पूरे विलेज में इंजॉय किया। सही बात है, वो कौन पीछे रह गया, वो एक मेरा भाई उधर रह गया, वो मेरे ख्याल में उधर पहले ही पहुंच गए होंगे। तो यार उन्हें एक चीज़ का पता है विलेज का, तो वो पहले ही पहुंच गए होंगे। तो यार आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ट्यूबवेल इकट्ठी चल रही थी। तो यार पहले मैंने आपको एक ट्यूबवेल का सीन दिखाया, फिर दूसरी का दिखाया। तो यार आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो अभी मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं भाई, नहा के आया हूँ ट्यूबवेल से और काफ़ी ज़्यादा यार आज इन्जॉय किया, बड़ा ही मज़ा आ गया। सही बात है, और अब हम आपको मिलेंगे फाइनली भाई घर जाकर ही। सो गाइस फाइनली घर पहुंच चुके हैं, बाल चार बिखरे हुए हैं, ट्यूबवेल पर जहाँ आया है अभी बाल चार बनाएंगे, कंडीशन करेंगे और फिर आपको सही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। यार आज कल यही था ना, अगर आपको ये व्लॉग पसंद है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार धमाकेदार व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।